नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, आज दिन है सोमवार, और सोमवार का दिन भोलेनाथ का दिन होता है। तो आज फिर से हम तैयारी कर रहे हैं भोलेनाथ के वही चरणों में जाने के जाने की। लिए। मतलब हमने जाना है शिवलोत्री मंदिर, और वहीं पे आज लंगर है, तो खाना वगैरह वहीं पे खाएंगे। और वही पीहू सारे हैं रेडी, और मैं आपको दिखा दूँ, वो पहले से ही बैठ गए हैं स्कूटर पे, एक्टिवा पे। अब थोड़ी सी लेट क्यों हो रहे हैं? लेट हो गए हैं मेरी वजह से, नहीं तो यहाँ तो सभी तैयार थे। हमारे सारे काम और सारी वजह से लेट हुए। हमारे सारे काम मेरी वजह से लेट होते हैं ना, नहीं तो ये इंदु जो नहीं बैठी है, सूट सूट सलवार पहन के जाना है इसने, वो भी तैयार है। ठीक है जी। और ये बाहर लॉक लगा रही थी, फिर एक इसका रहेगा कि चलो मैं 2 मिनट रुक जाऊँ, फिर इसने कपड़े चेंज करिए, अपना थोड़ा सा कंप्यूटर की एडिटिंग कर रही है, तो उसके बाद मतलब मेरी वजह से सारे काम लेट है, नहीं तो ये बाहर खड़े थे। तो आप समझ नहीं सको मेरी भावनाओं को, मैं असल क्या में करना चाह रहा भावनाओं हूँ। का तो मैं बताऊं जी, ये हमने इनसे कहा था, ये कह रहे थे कि 1 बजे, फिर भी मैंने बोला मगर नहीं चलो 1:30 बजे चलेंगे। अब ये आ रहे 2 बजे। अब यूं बताओ, जब हमें पता कि आदमी ने 1:30 बजे कहा अगर मैं 1:30 आ जाऊंगा तो घंटा, 1.5 घंटा तो ये उसके ऊपर ही करके चले। वो तो मुझे लगा नहीं भूल नहीं गए नहीं थे, गलत याद आ बात, गया मैंने उससे होगा। पहले ही फोन किया था, फिर तो कहने लगी कि भाई मैं कपड़े कर रही हूँ। नहीं, आपने हाँ आपने 12:30 बजे फोन किया था कि अब चल रहे। मैं कहा 1:30 बजे हाँ बोला तो था 1:30 बजे फिर कि चल मुझे फिर जो करना, काम है मैं अपना काम कर लूँ, तो तो फिर इसका काम ये में मैं मतलब 15 मिनट थोड़ा का ही ना। काम छोड़ के थोड़ा ही ना आऊंगा। खैर कोई बात नहीं, मतलब सारा कसूर मेरा है, बस तू ही जिम्मेदार गलती है, गलती मेरी है, मैं जिम्मेवार हूँ, मैं अपनी कहना गलती उसको माफ क्षमा चाहता कर हूँ सभी से। ठीक है। बिल्कुल। तो लेकिन अब कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट 5 मिनट का टाइम है जी अभी अभी बस, तो सेव भी और करने पांच के मिनट लिए तो देखते मैं हैं, नहीं, ये पांच तो मिनट मैं आप 50 मिनट ना हो जाए, बस ये है। क्या टाइम हो रहा, पूरे 2 बज दो बजने गए, में दो बज दो कर बज के पांच पांच मिनट मिनट है हो रही है, दो 5 सेकंड बनाई। अभी मुझे कौन सा श्रृंगार करना, श्रृंगार तो मेरा हो रहा, कपड़े कपड़े बदल के ठीक आना है। तो जी सभी हो गए हैं तैयार, और बस अब चलते हैं। लोक लाक उठाओ भाई, चलो फटाफट चलो। पीपल जाने की है गाड़ी भाई, में नहीं सिल्लोती जाना है? हाँ विष्णु और अच्छा, तो जी देखिए, हम लोग आ गए थे शिवलोत्री, और लंगर भोजन लेके यहाँ पे मैं जो बर्तन है वो धो रही हूँ, क्योंकि शिवलोत्री में जो भी खाना खाता है अपने बर्तन वो खुद ही धोता है, तो यहाँ पे यही है, तो सब अपने अपने बर्तन धोते हैं। हालांकि हम थोड़ा सा लेट हो गए थे, लेकिन वहाँ पर भंडारा जो है वो चलता रहता है। तो देखिए, कृष्णा यहाँ पे खेल रहा है और बच्चे यहाँ आके बहुत खुश होते हैं। और मैं खुद की भी बात करूँ तो कहीं इधर उधर धक्के खाने से मुझे ज़्यादा अच्छा मंदिरों में लगता है, मतलब घूमने का घूमना हो जाता है, और जो मन को सुकून शांति मिलती है ऐसे माहौल में वो अलग है। क्योंकि देखिए जी, आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में इंसान को सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो मानसिक संतुष्टि, मानसिक शांति है, जो कि जहाँ जिस माहौल में हम रहते हैं वहाँ पे नहीं मिलती। तो यहाँ का जो माहौल है, मंदिर वगैरह जो यहाँ के हैं, वो इतना शांत एरिया है, इतना अच्छा है, मतलब जाते ही माहौल की एनर्जी जो है वो फील होती है अपने आप को, पॉजिटिव एनर्जी। तो जब भी मन परेशान हो या कुछ भी हो तो हम यहाँ पे चले जाते हैं, और वैसे भी चले ही जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अच्छा लगता है। और ये देखिए, यहाँ पे ना काम लगा हुआ है शिवलोत्री में। तो जी बस उसके बाद जो है हम आ गए थे घर पे, और घर पे आने के बाद यहाँ पे शाम से का टाइम है, तो मैं बना रही हूँ चाय अपने लिए, और बच्चे शायद लेटे हुए थे या क्या कर रहे थे मुझे नहीं पता, तो यहाँ पे बस ये कर रही हूँ मैं। और आज आगे के व्लॉग में आपके लिए मैं कुछ अपना डेली रूटीन नहीं शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आप हमेशा बोलते हो कि आप अपना रोज़ का ही काम दिखाते हो, कुछ अलग नहीं दिखाते। तो आज मैं आपके लिए कुछ अलग करने की कोशिश कर रही हूँ, कुछ काम नहीं था ऐसा करने का, तो मैंने सोचा कि चलिए आज मैं आपके साथ अपनी जो मेहंदी की वीडियो है वो शेयर करती हूँ। और आज मैं लगा रही हूँ दुल्हन मेहंदी का डिजाइन। तो मेहंदी के साथ साथ मैंने सोचा कि चलिए आज आपके साथ मैं एक्स्ट्रा कुछ बात नहीं करूंगी, तो हमेशा आप लोगों को मेरी कविताएं बहुत अच्छी लगती है, तो आज भी मैंने कुछ कविताएं सिलेक्ट की हैं जो कि मैं पढ़ती हूँ, लिख समझती हूँ उनको, और फिर अपनी लाइफ में उनको करने की कोशिश करती हूँ। तो वो मेरी खुद की लिखी हुई नहीं है, लेकिन मैं जो पढ़ती हूँ वो है। तो चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, आज 2 कविताएं हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो जी चलिए, पहली कविता मैं आपको सुनाती हूँ। जो पहली कविता है वो है हमारी सफलता के ऊपर, तो सुनिएगा आप। पानी है सफलता जो तुमको, तो खुद को तुम आज़ाद करो, मत डरो किसी मुसीबत से, अपने हौसलों को फौलाद करो। पानी है सफलता जो तुमको, तो खुद को तुम आज़ाद करो, आज़ाद करो उन ख्यालों से जो आगे ना तुम्हें बढ़ने देते, जो कहीं कदम बढ़ाते हो तुम, हर पल तुमको ही है रोके,
मत डरो, विचार नया है जो, उसी विचार को अपनी बुनियाद करो। पानी है सफलता जो तुमको, तो खुद को तुम आज़ाद करो। आज़ाद करो उन रिवाजों से जो बेड़िया पाँव में है डाले। तोड़ दो उन दीवारों को जो रोकते हैं सूरज के उजाले। जिसे देखा ना हो दुनिया ने, कुछ तुम ऐसा इजाद करो। पानी है सफलता जो तुमको, तो खुद को तुम आज़ाद करो। आज़ाद करो उन लोगों से जो तुम्हें गिराने पर हैं तुले। ऐसे लोगों की संगति से कहाँ है किसी के भाग खुले। जो करना है वो खुद ही करो, ना किसी से तुम फरियाद करो। पानी है सफलता जो तुमको, तो खुद को तुम आज़ाद करो। आज़ाद करो उन राहों से किसी मंजिल पर जो ना पहुँचे। वहाँ पहुँच कर क्या करना जहाँ लगते ना हो हम ऊँचे। यूं ही व्यर्थ की बातों में तुम न अपना समय बर्बाद करो। पानी है सफलता जो तुमको, तो खुद को तुम आज़ाद करो। पानी है सफलता तुमको, तो खुद को तुम आज़ाद करो। मत डरो किसी मुसीबत से, अपने हौसलों को फौलाद करो। और पानी है सफलता जो तुमको, तो खुद को तुम आज़ाद करो। तो जी ये थी मेरी पहली कविता जो कि सफलता के ऊपर है, और सच में इनको पढ़ के बड़ी जो है मोटिवेशन मिलती है। मैं तो बड़ी प्रेरित होती हूँ, इन चीज़ों से मन परेशान होता है तो मैं इनको ही पढ़ती हूँ, सुनती हूँ। वेबसाइट्स मिल जाती हैं, जब भी आप जाके सर्च करते हैं तो आराम से बहुत सारी ऐसी कविताएँ मिल जाएंगी आपको नेट पर, जहाँ से आपको मतलब जो है उनकी पॉजिटिविटी जो होती है वो बहुत हेल्प करती है। तो जी चलिए एक और कविता, मैं आपको कह रही थी कि मैं दो सुनाऊँगी, तो दूसरी कविता भी मैं आपको सुना देती हूँ। कि राह में मुश्किलें होंगी हजार, तुम दो कदम बढ़ाओ तो सही। हो जाएगा हर सपना साकार, तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। मुश्किल है पर इतना भी नहीं, मुश्किल है पर इतना भी नहीं कि तू कर ना सके। दूर है मंजिल लेकिन इतनी भी नहीं कि तू पा ना सके। तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। एक दिन तुम्हारा भी नाम होगा, तुम्हारा भी सत्कार होगा। तुम कुछ लिखो तो सही, तुम कुछ आगे पढ़ो तो सही। तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। सपनों के सागर में कब तक गोते लगाते रहोगे, सपनों के सागर में कब तक गोते लगाते रहोगे। तुम एक राह चुनो तो सही, तुम उठो तो सही, तुम कुछ करो तो सही। तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। कुछ ना मिला तो कुछ सीख जाओगे, कुछ ना भी मिला अगर तो कुछ सीख ही जाओगे। जिंदगी का अनुभव साथ ले जाओगे, गिरते पड़ते संभल जाओगे। फिर एक बार तुम जीत जाओगे, पर तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। तो ये छोटी छोटी सी होती कविताएं हैं, वर्ड बहुत ही इनमें लिमिटेड होते हैं, लेकिन जो उनका वर्ड का मूल होता है यानी कि जो बेसिक होता है वो इतना मतलब पावरफुल होता है ना कि आप उससे इफ़ेक्ट हुए बिना रह ही नहीं सकते जब तक उस चीज़ का आपके ऊपर मतलब इस तरीके से वो हमें करती हैं, प्रेरित बोल लीजिए, प्रेरित करती हैं कि अगर आदमी मतलब जिस आदमी के हाथ पैर भी नहीं चलते वो भी एक बार को कोशिश करे कुछ करने की, और फिर भगवान की कृपा है हम पे कि हमें पूरा शरीर सही सलामत दिया हुआ है, हाथ पैर दिए हुए हैं, सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन उसके बाद भी कई बार होता है कि हम नहीं कर पाते। शायद उसमें ये होता है कि हमें सही ये समझ लीजिए कि सही हमें डायरेक्शन नहीं मिलता, या हमारे मन को जो मतलब कहते हैं ना कि कोई हमें साहस नहीं दे रहा या कोई हमें हिम्मत नहीं बंधा रहा, कोई भी नहीं है अगर आपके आसपास, तो ये जो वर्ड है ना, जो ये कविताएं हैं, ये इतना सपोर्ट देती हैं, इतनी हिम्मत देती हैं, बहुत ज़्यादा। शायद किसी के कहने से हमें इतनी हिम्मत ना मिले जितनी इन चीज़ों को पढ़ के सुन के समझ के मिलती है। तो जी मैं तो सही में बताऊँ, मेरा तो यही है कि मैं किसी से बात करने से अच्छा है कि हम बात ना करके अगर हमें संतुष्टि नहीं मिल रही है तो मौन में जो शक्ति है वो किसी में नहीं है। आप चुप रहिए, अपने मन की सुनिए, अपने अगर रास्ता नहीं पा रहा तो कुछ ऐसी चीज़ देखिए जो कि आपको मोटिवेट करती है। तो मैं तो जब भी मैं परेशान होती हूँ या कुछ भी होती हूँ, या तो मैं भगवान के दर पे चली जाती हूँ या मैं फिर अपना फ़ोन देखती हूँ, ज़्यादातर तो मैं इन्हीं चीज़ों को देखती हूँ। कोई मोटिवेशनल स्टोरी होती है या कोई मोटिवेशनल पोएम होती है, कविता होती है, कुछ भी होता है, तो मैं उनको पढ़ती हूँ और बार बार पढ़ती हूँ, जिससे कि मैं उसके हर एक वर्ड को समझ सकूँ। तो जी मैं अपनी लाइफ में जितनी भी पॉजिटिव हूँ उसका आधे से ज़्यादा क्रेडिट जितना मेरी फैमिली को जाता है उतना ही क्रेडिट मेरी इन चीज़ों को भी जाता है कि जो सही हैबिट्स हमारी है, सही आदतें हमारी है, वो हमारी लाइफ में आगे बढ़ने में बहुत मदद करती है। और मैं अपनी इस जो पढ़ने की मेरी एक हैबिट है, चीज़ों को पढ़ने की, उनके
अंदर तक जाकर घुसने की, समझने की, मैं कई बार मतलब मैं सोचती हूँ कि बहुत अच्छी है। तो आपको भी पढ़ने की हैबिट होनी चाहिए, क्योंकि पढ़ने से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलता है, किताबों में भी मिलता है। और दूसरी बात यह है कि हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम चीज़ों को किस तरीके से ले रहे हैं, पॉजिटिव में ले रहे हैं या नेगेटिव में ले रहे हैं। कई बार नेगेटिव जो चीज़ नज़र आ रही है वो असल में नेगेटिव होती नहीं है, सिर्फ हमारी सोच ऐसी होती है कि वो हमें नेगेटिव नज़र आती है। ढूंढने का है, नज़रिए का फ़र्क है। ढूंढेंगे तो पत्थर में भी भगवान मिलेंगे, और अगर नज़रिया नेगेटिव है तो भगवान भी पत्थर ही दिखेंगे। तो जी चलिए, खैर ये आज की कविता आई थी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको कैसी लगी। और बाकी जो मेहंदी का डिज़ाइन है वो आप देखिए, कोशिश की है कि दुल्हन वाली मेहंदी लगा सकूँ। बाकी आप मुझे बताइए कि आपको मेहंदी कैसी लगी, और इसके अलावा आपको किस चीज़ का वीडियो चाहिए वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो जी देखिए, लगा ली है मैंने मेहंदी, और वाकई में बहुत सुंदर लग रही। पहले मुझे सुंदर नहीं लग रही थी, पता नहीं क्यों हमेशा ऐसा ही होता है कि जब मैं मतलब मेहंदी लगाती हूँ तो मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती, लेकिन जब मैं उसे लगा लेती हूँ और फिर फ़ोन में देखती हूँ तो वो मुझे ज़्यादा सुंदर लगती है, बजाय मैं उसको वैसे देख रही हूँ उसके। तो जी आज मैंने जो कोशिश की है वो दुल्हन मेहंदी लगाने की कोशिश की है। इतनी तो अच्छी मैं नहीं कहूँगी कि जैसी दुल्हन को लगाई जाती है कि वैसी है, लेकिन कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है, और मुझे तो अच्छी लग रही है। आप ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लग रही है मेहंदी। हाथ इसलिए रखना पड़ रहा है ऐसे, क्योंकि अगर इसको मैं ऐसे दिखाती हूँ तो डिज़ाइन कट जाता है आधा, तो इसलिए हाथ को मैंने ऐसे रखा हुआ जिससे कि आपको पूरा डिज़ाइन जो है वो समझ में आए। और मेरी हमेशा से कोशिश रहती है कि मैं आपके लिए कुछ अच्छा लेके आऊँ, कुछ सुंदर सा प्यारा सा जो कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगे। तो जी ये है मेरी मेहंदी का डिज़ाइन, क्लोथ से मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि कैसी लगी है मेहंदी आपको। तो जी चलिए बस फिर इस वीडियो को मैं यहीं पे रोकती हूँ। आई होप आपने आज का वीडियो एंजॉय किया होगा। वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। कैसे अच्छा लैपटॉप चला रहे हैं आप, कोई नहीं। तो जी चलिए बस फिर वीडियो को रोकते हैं, मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ। आप ज़रूर बताइए कि आपको किस चीज़ का वीडियो चाहिए, मेहंदी का, सिलाई का, बुनाई तो मुझे आती नहीं तो मैं नहीं कहूँगी कि बुनाई का, लेकिन कुकिंग रिलेटेड या कुछ भी तो आप मुझे ज़रूर बताइए। हाँ राजा जी अभी देख। तो जी चलिए बस फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, बाय बाय।